कर्नाटक को देश का नंबर एक भ्रष्ट राज्य कहकर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा विवादों में आ गए हैं। मामला पीएम मोदी के लिए एक वेलकम ट्वीट से शुरू हुआ। दरअसल पीएम मोदी के विशेष विमान के बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी के स्वागत में एक ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी का प्रगतिशील राज्यों में से एक और साथ ही निवेश और रोजगार सृजन में नंबर एक राज्य में स्वागत किया। इसके बाद ये ट्वीट वायरल होने लगा। कुछ ही देर बाद येदियुरप्पा ने सीएम के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश का नंबर वन भ्रष्ट राज्य है। पार्टी के आलाकमान को खुश करने के चक्कर में येदियुरप्पा ये भूल गए कि उन्होंने भी 3.5 सालों तक राज्य की कमान संभाली है। उनके ट्वीट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। जुलाई 2011 में बीजेपी के आलाकमान ने येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाने का आदेश दिया था। उस वक्त तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने उन्हें करीब 50,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले में दोषी ठहराया था। सिद्धारमैया, जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, ने येदियुरप्पा के ट्वीट पर निशाना साधा और कहा कि यही विडंबना है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक व्यक्ति जिसने अपने शासन के समय देश का सबसे बड़ा खनन घोटाला किया, जिस व्यक्ति में कर्नाटक स्वाभिमान की कमी है, वो देश के सबसे प्रगतिशील राज्य को नंबर एक भ्रष्ट राज्य बता रहा है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।